तो देख सकते हैं 16 चक्के भी बाग्गा में ट्राले आने स्टार्ट हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लाने के लिए, वहाँ पे की है खड़ी रमन ने अपने घर के पास। अभी हम लोग अपनी कार लेके जा रहे हैं और वहाँ से गाड़ी लेके आएंगे। अभी फिलहाल घर के पास ले आते हैं, तो उसके बाद गाड़ी कटाएंगे तो अच्छा गाड़ी लोड करने के लिए निकलेंगे। ऐसे ही नंबर आएगा तो आपको ऐसे अपडेट मिल जाएगी कि आपको एक अच्छे सफर की यात्रा कराएंगे। तो अभी बने रहे वीडियो पे, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सिसालू घाट। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है रोड के साथ में यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे बाग्गा में जो प्लांट लगा है, यहाँ पे हमारे को ट्रक यार्ड वगैरह नहीं बना है जैसे गाड़ियाँ अपनी ग्राउंड में लगा सके साइड में। ऐसे ही सड़कों की साइड में गाड़ियाँ हमारे को खड़ी करनी पड़ती है, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं खारसी चौक पे। यहाँ पे देख सकते हैं खारसी है थोड़ा सा इधर को, भाई ऐसा ही जाम लगा रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ रोड साइड में लगी है यहाँ को, इन गाड़ियों की वजह से जाम लगा रहता है। देख सकते हैं ये वाली गाड़ी, एक गाड़ी पीछे भी, ये देख सकते हैं सारी लाइन लगी है। पर लोग भी क्या करें, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो देख सकते हैं नीचे जो भी लोड गाड़ी आती है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। देख सकते हैं ऐसी दिक्कत आती है यहाँ पे जब भी लोग लोड गाड़ियाँ लेके आते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे साइड में लगी है सड़कों के साथ में, इन गाड़ियों की वजह से जाम लगता है। एक बंदे ने वहाँ पे गाड़ी लगाई है, तो देख सकते हैं ये लोड गाड़ी आई है, नीचे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपको पता है जब भी ऐसी लोड गाड़ी आती है तो उनके लिए जगह खाली चाहिए, नहीं तो कोई भी नुकसान गाड़ी कर सकती है। तो भाई लोगों, कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये गाड़ियाँ जो भी रोड के साथ में लगी रहती है उनको साइड में लगा दिया करो, ताकि ऐसा है लोड गाड़ी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों देख सकते हैं एक जगह से छूटे दूसरी जगह फंस गए गाड़ी है भाई, और सड़कों पर लगाई है लोगों ने। देख सकते हैं ऐसा जाम लग जाता है यहाँ पर, ऐसी जाम की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, गाड़ियों को बड़ी दिक्कत होती है निकालने में। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं खारसी चौक पे, ये सड़क चली जाती है दाड़ला घाट साइड के लिए, और यहाँ से आप लोग जा सकते हैं बिलासपुर साइड के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस साइड को। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बस्सी में, और ये जो नीचे वाला रोड जा रहा है जबलपुर के बिलासपुर के लिए, ब्रह्मपुत्र साइड के लिए। ऐसे आप यहाँ से भी बिलासपुर के लिए निकल सकते हैं बाया बैरी होके, ये वाला रोड सोलह के लिए जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सोलग में, वहाँ सामने रही अपनी गाड़ी, बहुत दिन हो चुके हैं गाड़ी को यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो स्टार्ट वगैरह कर लेते हैं पहले, तो चलते हैं यहाँ से, रमन लाएगा गाड़ी, रही अपनी गाड़ी पीछे निकलते हैं और ये गाड़ी लेके आ जाएगा। तो ये सामने बच्चे देख सकते हैं, ये जा रहे हैं पानी के लिए। यहाँ पे बाबा जो कल्याणदास जी थे, काला बाबा जी के नाम से भी उनको जानते थे लोग, तो यहाँ पे उनका आश्रम है और यहाँ पे बॉडी भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे पानी के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जय श्री कृष्ण श्री श्री 1008 बाबा कल्याणदास महाराज जी श्री कल्याण आश्रम सोलग, जिनको आप काला बाबा के नाम से भी जानते थे। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सोलग में उनका आश्रम होता था यहाँ पे भाई। अभी मैं पहुंच चुका हूं रस्सी चौक पे, यहां पे रही अपनी कार, वहां पे आई अपनी गाड़ी। वहां पे रहा हमारा मंदिर बटवाड़ा देव जी का मंदिर ऊपर सालू घाट में। यह है बड़े स्तर की मार्केट दोस्तों, सामने से आ रही है कल्ली लेन गाड़ी, वहाँ पे देख सकते हैं। गाड़ी में हमारी पेट्रोल भी कम है, आपको दिख रहा होगा एक ही डंडा बचा हुआ है तेरा, यहाँ पे पेट्रोल पंप यहाँ पे डलवाते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोल अपना पड़ चुका है, हम निकलते हैं घर के लिए। ये रोड जा रहा है अपने घर के लिए, हमने आएगा खारसी चौक। तो दोस्तों ये रहा है यहाँ पे खारसी चौक, और यहाँ से सीधा जो रोड जा रहा है दाड़ला घाट शिमला के लिए, और हम लोग ले रहे हैं यहाँ से लेफ्ट। रहा यहाँ पे खारसी चौक भाई, इतनी बड़ी मार्केट खारसी चौक पे बन चुकी है, पहले यहाँ पे भाई छोटी सी मार्केट होती थी, और यहाँ पे कार के लिए पार्किंग बनी हुई है साइड में। ये खारसी की मार्केट सामने से आ रही है गाड़ियाँ लोड करके, ऐसे दिन रात मेहनत करते हैं अपने ड्राइवर भाई, फिर भी इनके लिए ऐसे ऐसे कानून बनते हैं,
सुविधा नहीं की सरकार, इनके लिए कोई सुविधा निकाले तो भाई ड्राइवरों की रिस्पेक्ट किया करो। मेहनत लगती है ट्रक चलाने में, ऐसे दिन रात सड़कों पे चलना पड़ता है तब जाके आप तक सारा सामान पहुंचता है जो भी ये सामान लोड करके लेके आते हैं। घर बनाने के लिए आपको सीमेंट रेता बजरी जो भी कुछ लगती है सब आपके लिए यही लोग अब तक जरूरी वस्तु पहुँचाते हैं। सब ड्राइवरों की रिस्पेक्ट किया करो, यह ड्राइवरों की जिंदगी देख सकते हैं भाई, सड़कों पे दिन रात करके इतनी मेहनत करते हैं भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने नए ट्राले खड़े हुए हैं यहाँ पे 12 चक्का और यहाँ पे 16 चक्का, ये महिंद्रा का ट्राला है तो देख सकते हैं 16 चक्के भी बाग्गा में ट्राले आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने बटवाड़ा देव जी के मंदिर के पास, यहां पे देख सकते हैं सालू घाट का एक चौक है जहां से बस जा रही है, वहां से ये रोड गया हमारे बाग्गा के लिए। यहां पे रहा अपने बटवाड़ा देव जी का मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लो बाड़ा देव जी के। तो दोस्तों निकलते हैं बाग्गा के लिए, तो अभी रमन को थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो खारसी में आया, आपको पता है बड़ी गाड़ी में टाइम लग जाता है, रास्ते में जाम वगैरह बहुत होता है। वहाँ पे रहा अल्ट्राटेक का सीमेंट प्लांट, रात का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ से। तो भाई ये रही अपनी बाग्गा की मार्केट, यहाँ पे रही अपनी पानी की बॉडी, यहाँ पे लगती है सारी गाड़ियाँ जो भी यहाँ हमारे गांव के ड्राइवर भाई है सब अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगाते हैं। आ चुका है रमन गाड़ी लेके, यहाँ पे लगा दी हम लोगों ने गाड़ी, अब कल सुबह देखते हैं नंबर वगैरह आएगा। अभी रमन की शादी है 30 तारीख को, तो अपने आप को ही गाड़ी चलानी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए। तो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी, जब तक अब रमन की शादी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मेरे को ये गाड़ी खुद ही चलानी पड़ेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल के ऊपर नए ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।